अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आज हमारे चैनल मार्क ऑफ रेक्स अकेडमी की फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, जो कि जिसका टॉपिक है कि एक्सएम ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना कैसे है। ठीक है, मार्क ऑफ फॉरेक्स अकेडमी का जो एफिलिएट लिंक है उससे एक्सएम ब्रोकर का अकाउंट किस तरह बनाना है, ठीक है, और किस तरह आप अकाउंट बना सकते हैं। तो जितने भी मेंबर्स हैं उन डेफिनेटली जो हमारा फर्स्ट बैच है उसका स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो फर्स्ट बैच मार्क ऑफ फॉरेक्स अकेडमी का लर्निंग का बैच है वो फिफ्थ ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी लोग हैं डेफिनेटली वो उनके लिए कंपलसरी है कि वो हमारे लिंक से जो है वो अकाउंट बनाए आएंगे अपना एक्सएम ब्रोकर का, तो हमारे एफिलिएट लिंक से हमारी आईबी के अंदर आएंगे वो। तो डेफिनेटली जो है वो ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ आप लोग, ताकि इजी हो जाए इस वीडियो को देख के कि अकाउंट कैसे बनाना है। कुछ लोग जिनको आइडिया है कि अकाउंट किस तरह बनता है और कुछ लोग न्यू हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, दोनों के लिए ये वीडियो है। काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और उसके अलावा कोई भी किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो डेफिनेटली हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स हमारे आपके पास हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं कि किस तरह अकाउंट बनाना है। तो ये लिंक आपको ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब के अंदर ऊपर जितने लोग मौजूद हैं, ठीक है, वो लोग भी हमारे इस जो है वो लिंक से अकाउंट बना के हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट करके और फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं, फ्री सिग्नल्स ले सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, एक्चुअली नेट थोड़ा सा स्लो है, तो जैसे हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारा जो है वो एक्सएम ग्लोबल का यहाँ पे एफिलिएट अकाउंट जो है ये हमारा लिंक से ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो प्रोसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट ये है कि आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे मिडिल नेम देना है। ठीक है, अगर आपका है कोई मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंट्री, उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद ईमेल देना है आपने अपना, और ईमेल सिर्फ एक ही आप दे सकते हैं एक अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे रेफ़र करूँगा कि आप MD5 ही रहने दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट सेलेक्ट करनी है। चलें हम जल्दी से इस डिटेल को फिलअप कर लेते हैं ताकि हम फिर नेक्स्ट फॉरवर्ड करें। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे एक कज़न है, ठीक है, तो मैं उनका लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो मार्कोर अकेडमी है, ठीक है, उसका जो ईमेल है मैं वो लिख देता हूँ, और उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम अग्री करेंगे और प्रोसीड करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ। सॉरी, फ़ोन नंबर मैंने लिखे नहीं है, तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर लिखते हैं और उसके बाद हम प्रोसीड टू सेकंड स्टेप करते हैं। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ देनी है हमने, उसके बाद एड्रेस डिटेल्स देनी है और पोस्टल जिप कोड देना है हमने। उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसने पूछना है कि आर यू अ सिटीज़न फॉर टैक्स पर्पसेस, नो आपने करना है। ठीक है, तो यू एस सिटीज़न आप नहीं हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डिटेल्स देनी है, आपने बेस करेंसी कौन सी USD सेलेक्ट करनी है, लेवरेज आपके पास ये मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अकाउंट बोनस, यस आई विश टू रिसीव है, ठीक है, कि अगर कोई भी बोनस होगा तो आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टर की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन सारी की सारी देनी है। उसके बाद ट्रेडिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो अपने अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे देना है। चलें मैं आपको फिल करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपकी अर्निंग 0 to $20,000 आपने रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे हेजिंग अकाउंट रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट तो स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड है सेल्फ एम्प्लॉयड, सोर्स ऑफ फंड क्या है, मेरा तो सेविंग है, ठीक है, सेविंग्स है। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन, बैचलर डिग्री, मेरी बैचलर डिग्री है, तो लेस दैन 50,000 हमारी एनुअल इनकम है, ठीक है, $50,000। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है योर टोटल एस्टिमेटेड नेटवर्थ, तो वो भी लेस दैन $50,000 है। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं कि आपने कितनी दफ़ा जो है वो ट्रेड्स ओपन की हुई हैं, तो मोर देन 25 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। अकाउंट पासवर्ड, यहाँ पे हमने अब पासवर्ड चूज़ करना है। ठीक है, हम कोई भी पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंफर्म करना है और ओपन अ रियल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद रह जाती है क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन की वीडियो, कि आपने अपना वहाँ पे KYC कैसे करनी है, अपना CNIC वगैरह कैसे अपलोड करना है। तो उसके लिए डेफिनेटली हम एक और छोटी सी वीडियो बनाएंगे,
तो इंशाल्लाह वो उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से अपना CNIC वगैरह की डिटेल्स अपलोड करनी है और किस तरह आपकी KYC होगी यहाँ पे, किस तरह आपकी वेरिफिकेशन होगी। सो थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग फिर हमसे ग्रुप के अंदर, डिस्कशन ग्रुप्स के अंदर या